भाई हिंडनबर्ग और ईरान इसराइल वॉर के चलते मामला यार संगीन होता जा रहा है। नए फ्रेश एलिगेशन आ गए हैं हिंडनबर्ग के ऊपर से। कोई एक्स फाइनेंशियल ऑफिशियल भी कह रहा है कि भाई जांच होनी चाहिए। अब पता नहीं क्या होगा, अब जो भी होगा, लेकिन बाजार गिर गया यार आज, काफ़ी गिर गया है। तो आज तो यार एक ही मन में सारा दिन गाना बजता रहा, सुबह से बज रहा था 5 बजे से, जैसे पता हो गया आज बाजार गिरेगा। आपको वो कौन सा गाना था? बड़ी मुश्किल है गिरा निफ्टी है, बड़ी मुश्किल है गिरा निफ्टी है, कोई इसे ऊपर ले जाए ना, जाने मैं क्या करूं कोई बतलाए ना, खरीदूं या बेचूं या कुछ भी ना करूं, खरीदूं या बेचूं या कुछ भी ना करूं। यार बड़ी मुश्किल हो गई है यार आज, जिस तरह से बाजार के इंडिकेटर आया ना, तो मन को यही लग रहा है बड़ी दुविधा हो गई है, खरीदें बेचें या शांति से बैठे रहें, समझ ही नहीं आ रहा क्या करें। अच्छा आगे बढ़ने से पहले आप मुझे कमेंट में बताओ आप क्या कर रहे हो, खरीद रहे हो, बेच रहे हो या कुछ भी नहीं कर रहे हो, लिख दो कमेंट में। डार्लिंग मैं सारे कमेंट भरता हूँ। शेयर बाजार में एश्योर्ड या गारंटीड प्रॉफिट की उम्मीद नहीं रखनी चाहिए, या कभी भी किसी भी वक्त कोई भी अनएक्सपेक्टेड इवेंट की वजह से बहुत बड़ा घाटा हो सकता है, जिसके चलते आदमी की सारी पूंजी तबाह हो सकती है और वो फेल भी हो सकता है। शेयर बाजार बहुत ही खतरनाक जगह है, यहाँ एक भूल ही फाइनेंशियल तबाही के लिए काफी है। मैं केवल एजुकेशनल वीडियोस ही बनाता हूँ, मैं कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं देता हूँ। चर्चा किए गए स्टॉक उदाहरण के लिए हैं और खरीदने या बेचने की कोई रिकमेंडेशन नहीं है। मेरा यह मानना है कि शेयर बाजार में निवेश किसी के कहने पर नहीं करना चाहिए, बल्कि अपने रिस्क एपेटाइट और जानकारी के हिसाब से करना चाहिए। सदा याद रखें, जिसने ली टिप उसकी हुई डिप। शेयर बाजार में निवेश जोखिमों के अधीन है, निवेश करने से पहले सभी संबंधित दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। हाय गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने शो एमकेजे टॉक्स ऑन इन्वेस्टमेंट इन हिंदी में। कैसे हैं आप भैया? बाजार में बत्ती लग गई है, वो कहते हैं ना आपकी भाषा में, बोले क्या कहते हैं आपकी भाषा में, वाट लग गई है भाई साहब। बाजार जो है बिल्कुल टाइट हो गया, और आज मज़ेदार बात है, एशियाई बाजार सारे चढ़े हुए हैं, सारा यूरोप पॉजिटिव है, सारा आपका क्या अमेरिका पॉजिटिव है। अब मैं ऐसे अपने आप से प्रश्न पूछ रहा था कि मनोज कुमार जैन भाई, जब सारे बाजार पॉजिटिव है, पूरा एशिया पॉजिटिव, यूरोप पॉजिटिव, अमेरिका भी पॉजिटिव ही चल रहा है, तो हमारे ही बाजार क्यों गिरे हुए? इसका मतलब जो हमारे बाजार गिरे उन पर कोई अंतर्राष्ट्रीय फैक्टर का इम्पैक्ट नहीं है? ईरान इसराइल की वॉर तो इंटरनेशनल फैक्टर है। तो अब एक ही फैक्टर मेरे दिमाग में बचा, आप गेस करिए क्या, मैं किस फैक्टर की बात कर रहा हूँ जो हमारे देश से ही रिलेटेड है, फटाफट कमेंट में लिख दो। तो उस फैक्टर के चलते लगता है यार मामला गड़बड़ है। देखो डाउ जोन्स 0.5% चढ़ा हुआ है, S&P 500 0.25% के आसपास चढ़ा हुआ है, नैसडेक 0.25% से ऊपर चढ़ा हुआ है, स्मॉल कैप 2000 0.5% चढ़ा हुआ है। तो चारों इंडाइसेस US के, अमेरिका के हरियाली में। अच्छा S&P ऑस्ट्रेलिया का जो है वो 0.51% चढ़ा हुआ है, ब्राज़ील 0.68% चढ़ा हुआ है, जर्मनी 0.55, लंदन 0.3, फ्रांस 0.35, इबिक्स 0.5% मद्रिद हो गया, मिलन जो है वो 0.75%, स्विट्ज़रलैंड जो है वो 0.3%, स्टॉकहोम जो है वो 0.5%, और रशिया 0.25% तेज है, सब बढ़िया। जापान 3.5% बढ़कर बंद हुआ, ऑस्ट्रेलिया हल्का 0.17% बढ़कर बंद हुआ, चाइना के तीनों इंडाइसेज हरियाली में, आपका हांगकांग 0.36% बढ़ के बंद हुआ, कॉस्पी 0.12% बढ़ के बंद हुआ। और इसके अगेंस्ट अगर आप भारतीय बाजारों की बात करोगे तो उनकी लगी बत्ती, गए वो जी खड में, कोई उनको ऊपर ले जाए ना, यही कहना पड़ेगा। अब जो बड़े दिन से ट्रेंड चल रहा था ना अप वाला, ये वाला ऐसे नीचे से, तो नीचे वाला तो ठीक है, पर ऊपर वाला बिगड़ गया आज।
तो ये एक बड़ा शॉकिंग इंडिकेटर है। और बाजार ने 3 दिन का लो लगा दिया, बड़ी मुश्किल है। 2 दिन हरा था एमएसडी चार्ट पे, अब वो लाल हो गया, तो कमजोरी हो गई है कैंडल पे तो बड़ी भारी। और आरएसआई भी 45 है। अब कैंडल को देखो ना, कैंडल क्या बनी है, कितनी स्ट्रांग बेरिश कैंडल है। मैं स्ट्रांग क्यों कह रहा हूँ, देखो इसकी वीक ही नहीं है, ये है वीक हल्की सी। देखो क्या है वीक, ये जरा सी वीक है। बाजार यहाँ खुलता है, हल्का सा चढ़ता है, टिक ही नहीं पाता, गिरता रहता है, फिर यहाँ बॉटम बनाता है और बॉटम के नज़दीक ही बंद हो जाता है। इसका मतलब क्या है कि बाजार की सारा दिन बत्ती लगी रहती है। तो कैंडल तो यार वीक है, लोअर बोलिंजर हाफ बैंड के अंदर है, उसके मिडल में आके है, बंद जो ही है वो। अब क्या है, अगर आप ध्यान से देखोगे ना, ये लेवल जो है ये लगभग 24,000 का लेवल है। 24,000 का लेवल बड़ा क्रूशियल है। अगर 24 का लेवल कट गया, क्योंकि 50 डेज मूविंग एवरेज ये है और ये बोलिंजर, 24 का लेवल अगर कट जाता है तो बाजार के लिए दिक्कत हो जाएगी। कि 24 कटने के बाद कल ही 23,900 कट जाता है, यानी ये लोअर बोलिंजर बैंड के नीचे आ जाता है, तो बाजार में वाकई दिक्कत है। अब बाजार की कल की क्लोजिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है। पहली बात, बाजार कल 24,000 के ऊपर बंद हो डिसिसिवली, 24 के नीचे खतरा काफ़ी हो जाएगा, 23,900 के नीचे बहुत ज़्यादा खतरा हो जाएगा, क्योंकि फिर वो समझो इस राउंड का लोएस्ट काट देगा। तो साहब बहुत मुश्किल है इस वक्त, आज तो सच में कहना पड़ेगा बड़ी मुश्किल है। और देखिए एक्सट्रीम फियर हो गया 22.13, बड़ा लफड़ा है। अब यहाँ क्या है, कुछ एक तो पॉजिटिव चीज़ें हैं, जैसे यूएस डॉलर इंडेक्स पॉजिटिव है, ठीक है, पॉजिटिव है, काफ़ी गिर गया। क्रूड बहुत नेगेटिव है। अब ईरान इज़राइल वॉर का पंगा ही है, अगर ईरान इज़राइल वॉर होगी ना तो ऑयल की सप्लाई डिस्टर्ब हो जाएगी, क्रूड पहुँच जाएगा 100, हमारे फॉरेन एक्सचेंज में पड़ेगा बैड असर, तो हमारी मार्केट के लिए बड़ा ख़राब हो जाएगा। ये हायर साइड पे तो बैड है, ये थोड़ा बेटर है, ये इम्प्रूव ही हो रहा है। देखो ना, गिरते गिरते आज बड़े दिन से 3.9 चल रहा था, देखा जाए 4 दिन से, आज 3.9 के भी लेवल को डिसिसिवली काट के 3.86 पे आ गया, तो ये तो काफ़ी तारीफ़ काबिल है। अच्छा अब FIs देखो, FIs तो आज खूंखार हो गए, हर सेगमेंट में बेचा है, कैश सेगमेंट में अच्छी खासी बिकवा ली 2100 करोड़ की। ये DIs भी उतना मैच नहीं कर पाए, 1240 करोड़ के आसपास की इन्होंने खरीदारी करी है, जिसके चलते 867 करोड़ की बिकवा ली आ गई। इंडेक्स फ्यूचर की बत्ती लगा दी इन्होंने, स्टॉक फ्यूचर भी बेच डाले, कुल मिला के 10,620 करोड़ की बड़ी बिकवाली करी है, तो मार्केट का हिलना तो स्वाभाविक था। FIs भी यार बहुत ज़्यादा हो गया। अब देखो कितने दिनों बाद, अब देखिए डाटा आपके सामने है, निफ्टी 50 जो है 48 पे आ गया, कितने दिनों के बाद इसने ऐसा नया नीचे का लेवल बनाया, और अब ये भी काफ़ी रीजनेबल हो गया 55, अदरवाइज 55 की रेंज में नहीं आ रहा था बहुत समय से। तो सब अच्छा हो रहा है, मतलब अच्छे से मतलब हल्का हो गया, तो ये अपने आप में एक फेवरेबल पॉइंट है। अब इंडाइसिस की बात करूँ, अब यहाँ खतरा है, खतरा ये है कि लगभग 2% आपका इंडिया विक्स बढ़ के 16 के पार चला गया। ये 16 से ऊपर जाता है ना तो दिक्कत हो जाती है, 20 के ऊपर जाएगा तो दिक्कत बहुत भयानक हो जाती है। सारे इंडाइसिस गिरे हुए थे होल सेल के हिसाब से, निफ्टी बैंक की तो माँ बहन बना दी उन्होंने आज, वेरी सॉरी मम्मी पापा बना दी, 1.5% गिरा। निफ्टी स्मॉल कैप भी 150 1.5% गिर गया, मिड कैप 0.87, स्मॉल कैप 1.3, यानी स्मॉल कैप और निफ्टी बैंक इनकी तो बैंड बजा दी, बाकी सारी 1% के लपेटे में गिरे। मैं किसकी बातें करूं, मिनिमम गिरावट निफ्टी मिड कैप में है, वो भी 0.8% के लपेटे। तो बाजार की तो आज
ऐसे ऐसे करके पिटाई हुई है, बुरी तरह से बाजार को आज मारा गया। 590 शेयर मात्र चढ़े हुए थे और 1785 कोई एडवांस डिक्लाइन रेशियो बढ़िया नहीं, सब बेकार। हिंदुस्तान कॉपर के रिजल्ट अच्छे आए थे तो भागा था, बलरामपुर चीनी की भी कहानी अच्छी चल रही है, और इंदो फार्मा ठीक है, डिक्सन भी भागा था, ये शेयर आज भागे हुए थे। गिरा हुआ था आरती इंडस्ट्रीज, कपड़े खोल दिए इसकी 15%। चंबल फर्टिलाइजर 7.5%, जाइडस 6%, दीपक नाइट्रेट 6%, कहते हैं बैंड बजा दिया इनका। अब निफ्टी 50 के अंदर भी सिर्फ 14 शेयर थे ऐसे जो हरे में थे, 36 शेयर लाली आली में बंद हुए। कल 24,347 पे बाजार बंद हुआ, वहीं खुलता है 24,342 पे। जैसा कि कैंडल में मैंने पहले समझा दिया, सारा दिन गिरता रहता है। 24,359 का पीक शुरुआती दौर में बनाता है कल की क्लोजिंग से थोड़ा, फिर सारा दिन गिरता है, आखिरी क्षणों में 24,116 का बॉटम बना के उसके आसपास एक दो बार घूमता रहता है, टच करने की कोशिश करता है, तो एक बार करता है, दो बार करता है, तीन बार, चार, फिर हल्का सा ऊपर 24,140 यानी डेज लोज के आसपास ही 200 पॉइंट से ज़्यादा की बड़ी गिरावट, 0.85% गिरकर अपनी नाक कटवा लेता है और हमारी जेब कटवा लेता है। वही हुआ, मार्क टू मार्केट लॉस हो गया, कैश शॉर्ट हो गया, फिर कैश डालना पड़ा, अभी डाला है मैंने सारा, बड़ी दिक्कत है यार। आज टाइटन कंपनी बड़े दिनों बाद भागा, अपोलो, डॉक्टर रेड्डी लैब, टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट, HCL टेक, नेस्ले ब्रिटेन, FMCG तो आपको पता है ऐसे वक्त पे चल जाता है, वो हरे में थे। गिर कौन रहा था? BPCL, HDFC बैंक की बत्ती लगा दिया आज, 3.5% गिर दिया। ये HDFC बैंक भी ना साला नेस्ती हो गया, ये ग्रुप ही नेस्ती हो गया, HDFC लाइफ बेस्ट ग्रुप होता था, साला नेस्ती हो गया, बिल्कुल सड़ियल सा ग्रुप बन गया। कहते हैं हिंदी में वर्ड है सड़ियल, बिल्कुल वो बोलते हैं सड़ियल ग्रुप है। और आज अपने साथ बजाज फाइनेंस को भी ले डूबे, टाटा मोटर भी गया, टाटा स्टील, श्रीराम फाइनेंस, सब में बड़ी पोजीशन है। कैसे करूं मैं जी, क्या करो, सोचो, ये बड़ी पोजीशन है, चलो इसमें FNO की है पोजीशन, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें छोटी है, ये दो मैंने कवर नहीं की, तो दिक्कत तो आ ही रही है, इसको हमने डिस्कस कर लिया। अब ऑप्शन चेन एनालिसिस में कमाल है, 25,000 के लेवल पे मैक्सिमम पेन है, क्योंकि यहाँ कॉल रेटिंग दबा के हुई है, पुट राइटर्स तो डर गए हैं, 24,200 और उसके ऊपर तो है कुछ मात्रा में, उसके नीचे तो इनकी कहते हैं ना बैंड बच गई है, और कॉल राइटर्स तो 24,100 से लेकर ऊपर तक भरे पड़े। PCR बहुत आज डाउन हुआ, इतनी कॉल रेटिंग हुई है, देखो आप मंथली वाला वही है, मंथली में कोई लंबा चौड़ा फर्क नहीं है, मैक्सिमम पेन अभी भी 24,500 पे और वो बढ़ा ही है, कॉल रेटिंग हाईएस्ट 25,000 पे, पुट रेटिंग हाईएस्ट 24,000। अब देखो PCR, मैंने कहा ना कितना गिर गया, 0.53, मुझे याद ही नहीं 0.53 कब दिखा। अब इसके इंटरप्रिटेशन के दो तरीके, क्योंकि कल निफ्टी 50 की भी एक्सपायरी है, निफ्टी बैंक की भी है। अब इसको आप ऐसे इंटरप्रेट कर सकते हो कि भाई साहब ये तो बहुत कमज़ोर हो गया, कल तो बत्ती लग जाएगी। दूसरा भी ये कह सकते हैं बहुत डाउन हो गया यार, बहुत ओवरसोल्ड है, कल रिकवरी मारेगा, जबकि मंथली ठीक है, मंथली ठीक है और ये गिरा हुआ है, तो यहाँ एक उम्मीद बनती है कि कल बाजार भाग जाएगा, ऐसी उम्मीद बनती है। कई बार बच्चे कहते हैं सर आप कभी कुछ बोलते हो कभी कुछ बोलते हो, भाई मैं शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के हिसाब से वीडियो बनाता हूँ, तो ट्रेडिंग के हिसाब से बोलूँगा ना, इन्वेस्टमेंट के हिसाब से तो हर गिरावट पर खरीदो, MKJ फिक्स्ड डबल MKJ फिक्स्ड डबल लगाओ, गिरे अपना ज़्यादा पैसे लगाओ, जितना ज़्यादा गिरे उतना ज़्यादा लगाओ, डबल कर दो। अब ट्रेडिंग में तो रोज़ लगेगा बाजार भाग जाएगा गिर जाएगा, उसके हिसाब से वीडियो बनाता हूँ, तो बहुत बुरी हालत है। अच्छा, अब दो शेयर यहाँ बढ़े हुए थे, 10 शेयर यहाँ गिरे हुए थे निफ्टी बैंक में, तो निफ्टी बैंक बंद हुआ कल 50,577, उससे भी काफ़ी नीचे खुला,
लगभग 125 200 पॉइंट 50,395 पे पीक बनाया, 50,559 का जहाँ खुला था उससे थोड़ा ऊपर समझ लीजिए, फिर सारा दिन गिरता रहा। बॉटम लास्ट के क्षणों में बनाया 49,785, वही बंद हो गया समझो लगभग 49,831, 750 पॉइंट गिरकर 1.5% के लगभग की गिरावट के साथ अपना साला इज्जत लुटवा गया और हमारी जेब कटवा गया, यही कह रहा हूँ। क्या चढ़ा हुआ था? फेडरल बैंक, एयू स्मॉल फाइनेंस, बाकी सब की लंका लगी। ये नेस्ती बिल्कुल ज़्यादा, ICICI बैंक कुछ नहीं कर रहा, HDFC नेस्ती, IDFC फर्स्ट नेस्ती, बंधन नेस्ती, इतने अच्छे रिजल्ट है बंधन के, बस साला नेस्ती हुआ पड़ा। इसका भी मुसीबत हो गई है, देखो ये तो फ्लैट ही ले रहा है ऊपर का, इसका भी यूं बन के अब यूँ डाउन आ गया, कोई पकड़ नहीं है कैंडल में, बहुत ज़्यादा कमजोरी। चार दिन हरी हिस्टोग्राम बने, आज लाल बना है MACD चार्ट पे, सब बराबर, और RSI 40 के नीचे आ गया 36.36, ये डेंजरस साइन है। तो निफ्टी बैंक प्रैक्टिकली बड़ा कमज़ोर है, कल दोनों एक्सपायरी कंबाइंड है, कल हो सकता है एक बड़ा कांड, अब देखते हैं कल क्या हो। अब मैंने तो भाई साहब ऑप्शन चेन एनालिसिस को जब देखा तो मैं हैरान रह गया, जहाँ मैक्सिमम पेन कल था 52,000 के लेवल पे, आज 50,500 पे आ गया, तो थोड़ा मामला ख़राब है। कॉल रेटिंग हाईएस्ट थी 52,000 पे, अब 50,500 पे हाईएस्ट होगी, इतनी ज़्यादा कर दी 50,500, कॉल राइटर्स को डर ही नहीं, हप साले इससे ऊपर तो कैसे जाएगा, 50,000 पे भी करी हुई है, हप साले 50,000 से ऊपर तो जा ही नहीं सकता, कॉल राइटर्स का भरोसा है, पुट राइटर्स डरे हुए हैं, यहाँ पर यहाँ भी डरे हुए हैं, इधर जाके उन्होंने कुछ पोजीशन ठीक की, पुट राइटर्स में घबराहट है, कॉल राइटर्स हावी है। PCR देखो हैरान रह जाओगे, 0.55 कल था, एक आधा हो गया, इतना फॉल कभी आपने देखा? कमेंट में लिखो, मैंने नहीं देखा, मंथली भी वीक है तो मामला बड़ा ख़राब है। अब मैंने क्या करा, ज़्यादा कुछ कर नहीं पाया, प्रभु के आशीर्वाद से, प्रभु की कृपा से एक पैसे का प्रॉफिट कमाया है मुश्किल से, 3 फ्यूचर कॉल स्ट्रेटेजी लगाई, 1 स्टॉक्स केयर ऑफ किया, 3 ऑप्शंस केयर ऑफ किए, 3 फ्यूचर्स केयर ऑफ किए, 1 इंट्राडे हो गया, 1 अग्रेसिव पुट हो गई, 3 सेफ पुट्टे भेज दी, 3 स्टॉक भेज दी, ये करा आज। अब अशोक लेलैंड का मैंने 40,000 शेयर्स की पुट्स केयर ऑफ में लिखवाई, सिर्फ 30,000 हुई, 10,000 बची पड़ी है, तो ये जो प्रॉफिट है ये 40,000 का है, तो 30,000 डिवाइडेड बाय 40,000 से मल्टीप्लाई करोगे तो मेरा प्रॉफिट आएगा, ये कैलकुलेशन का तरीका आपको सिखा रहा हूँ। HCL में मैंने क्या करा, पहले बेच दिया, फिर वो गिर गया साला, मैंने फिर खरीद भी लिया, तो इसका डिफरेंस को 300 से मल्टीप्लाई कर दो, प्रॉफिट आ जाएगा। मन्नापुरम के मैंने 250 शेयर बेचे, मैंने और भी बेचने थे, वो चढ़ता ही जा, ये इसकी कॉस्ट है, ये इसका सेलिंग प्राइस है, इसका डिफरेंस निकालो और उसको इन 250 से मल्टीप्लाई कर दो, प्रॉफिट आ जाएगा। ONGC के मैंने फ्यूचर और कॉल दोनों स्क्वेयर ऑफ कर दी, तो फ्यूचर में प्रॉफिट हुआ, कॉल में नुकसान हुआ, दोनों का डिफरेंस नेट प्रॉफिट। अब वो अशोक लेलैंड में कांड हो गया साला, मैंने स्क्वेयर ऑफ करना था, मैं इसको खरीद गया और कॉल स्क्वेयर ऑफ कर दी, पुट स्क्वेयर ऑफ करनी थी मतलब खरीदी, सॉरी फ्यूचर स्क्वेयर ऑफ करना था, खरीदा हुआ था, वो सेल की जगह बाय हो गया, तो फ्यूचर का मैं सोच रहा था इतना प्रॉफिट हो जाएगा और कॉल में इतना नुकसान हो जाएगा, नेट प्रॉफिट आ जाएगा। और थोड़ी देर बाद देखा मैंने 10,000 कैसे हो गई, मैंने फिर शोक ले लें, मैं तो बेच दिया था, वो साला खरीद हो गई, तो प्रॉफिट तो हुआ नहीं कुछ खरीद और हो गए, लेकिन 50,500 का लॉस बुक हो गया कॉल में, इसे कहते हैं चाटा लग गया, ठीक है चलो प्रभु की लीला है। इसलिए फिर मैंने ना इसकी पुट्टे स्क्वेयर ऑफ कर दी, गुस्सा आ गया, देखो 50,000 का लॉस तो कवर करूँ, इसका प्रॉफिट निकालोगे तो 50 से ज़्यादा है, तो फिर वो लॉस मेरा पुट्टों में कवर हो गया, मैं हटाओ यार इस लॉस को कवर करो, हालांकि मैं 40,000 की 40,000 स्क्वेयर ऑफ करनी थी, वो हुई नहीं। तो भैया ये ही सारा शेयर बाजार के खतरे हैं जो मैं आपको समझाता हूँ, ये ही अपने वीडियोस के द्वारा, सिनॉप्सिस के द्वारा, डेमोस के द्वारा दिखाता हूँ कैसे गलती हो जाती है, लेने के देने पड़ जाते हैं, मिस्टेक्स हो जाती हैं, इसी चीज़ों पर मैं स्ट्रेस करता हूँ। अगर आप भी सीखना चाहें व्हाट्सएप पर तो मेरे स्टूडेंट बनिए, 70 11 373 077 मेरी टीम को कॉल करिए,
या व्हाट्सएप पे भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। डीमैट अकाउंट खुलवाना तो इसी नंबर पे यानी 7011-323-077 पे मेरी टीम को कॉल करें। टेलीग्राम चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और डीमैट अकाउंट खुलवाने का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इसी के साथ साथ बाय बाय, गॉड ब्लेस यू, हैप्पीनेस, और आप स्टॉक मार्केट के बेताज बादशाह बने।